30 जून की आधी रात 12 बजते ही खत्म हो जाएंगी आईपीसी। 1 जुलाई लगते ही देश में लागू हो जाएंगे 3 नए कानून। दुमका पुलिस पीताम्बर सिंह खेरवार पुलिस अधीक्षक दुमका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से सूचित किया। जनता एवं नागरिकों को ये बताया कि जून को खत्म होने के बाद से ही 1 जुलाई से नए कानून लागू किए जाएंगे। नए कानून लागू होने पर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए थाने जाने की अब जरूरत नहीं होगी। अगर पीड़ित चाहेगा तो इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट भी करवा सकेगा। किसी भी थाने में FIR दर्ज कराई जा सकेगी। गिरफ्तारी होने पर सूचना देना जरूरी होगा। फॉरेंसिक सबूत उठाने और वीडियोग्राफी करानी जरूरी है। देश में 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही IPC के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई शुरू होते ही इनकी जगह बने 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। पीताम्बर सिंह खेरवार पुलिस अधीक्षक दुमका ने बताया कि पुलिस की तमाम पदाधिकारियों को पहले ही टर्निंग कर तैयार की गई है और नए कानूनों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कर चुकी है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हमारे इस नए कानून के बारे में मीडिया द्वारा पहले ही जनता एवं नागरिकों को बताया जा रहा है। इसके पश्चात हमें पुलिस विभाग से भी जनता एवं नागरिक को प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत करेंगे। 1 जुलाई से होने वाली भारतीय न्याय संहिता के बारे में दिए गए जानकारी, इनमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 लागू हो जाएंगे। क्योंकि नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाही में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है, इसलिए NCRB ने मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS एप्लीकेशन में 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशन किए हैं, ताकि नए सिस्टम में भी आसानी से कंप्यूटर से FIR दर्ज होने समेत CCTNS संबंधी अन्य तमाम कार्य करने में कोई प्रॉब्लम न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TTN 24 न्यूज। अभी आप लोगों के माध्यम से सभी जनता और नागरिक को एक सूचना दिया जा रहा है और भी आने वाले समय में इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार भी हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। मोटे तौर पर अभी इतना ही बता रहे हैं कि 1 जुलाई से नए कानून लागू होंगे पूरे भारत में। पूर्व में ब्रिटिश काल में बना हुआ IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट तीनों को हटा के उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता IPC के जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC के जगह पर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून लागू हो रहे हैं जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। पूर्व में कुछ ऐसे धाराएं थी जिसकी अभी प्रासंगिक नहीं है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक नहीं है, वैसे धाराओं को हटाया गया है और कुछ उसमें नए धाराओं को समाहित किया गया है और विशेषकर इसमें टेक्नोलॉजी का साक्ष्य अधिनियम में हम लोग वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और कैसे 7 साल से जिसमें अधिक की सजा हो उसमें हम लोग को फोरेंसिक की टीम को लाना है अनिवार्य रूप से, साथ ही साथ घटनास्थल का वीडियोग्राफी कराना है, CCTNS के माध्यम से उसको अपलोड और सिंक करना है। ये तमाम चीज़ें अभी नई साक्ष्य अधिनियम में आए हैं और आने वाले समय में इसका और भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। मोटे तौर पर अभी आप लोगों को इतना ही सूचित किया जा रहा है कि 1 जुलाई से पुरानी धाराओं पर केस नहीं होंगे, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर उस पर केस होंगे, जैसे कि 302 का केस हत्या में लगता था, अब वो 103 क्लोज 1 BNSS में भारतीय न्याय संहिता में लगे। इसी तरह 376 में बलात्कार का था, वो 64 से लेके 70 के बीच के धाराओं में आएंगी। इस तरह अन्य कई धाराएं हैं जिसका लिस्ट आपको विस्तार से हम लोग अभी दे देंगे और सभी जनता आने वाले समय में इसको समझ जाएंगे
और हम लोग को प्रचार प्रसार भी करना आवश्यक है। आप लोगों के माध्यम से सबको हम लोग बता रहे हैं कि अब आने वाला समय में आईपीसी के जगह में 1 जुलाई से हम लोग भारतीय न्याय संहिता में केस करेंगे और इसमें जो प्रक्रिया है सबका विस्तार से हम लोग प्रशिक्षण सभी थाना प्रभारी SDPO DSP और जितने भी IU रहेंगे उनको हम लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तकनीक का इसमें काफ़ी हम लोग को इस्तेमाल करना है, तो प्रारंभिक तौर में अगर कहीं कोई समस्या होती है किसी को केस करने में कुछ समझने में तो उसके लिए यहाँ पर मास्टर ट्रेनर भी हैं, हम लोग उसकी भी व्यवस्था किए हैं। हम लोग सही तरीके से इसको लागू करा पाएंगे, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। या ऑनलाइन भी FIR सारे चीज़ें केस डायरी से लेकर सारे चीज़ आप ऑनलाइन की ओर 1 जुलाई से हम लोग पढ़ेंगे।